एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसका हमें इस कॉम्बिनेशन के साथ लिमिट निकालना है पावर माइनस टी वाई टी क्योंकि सॉल्यूशन को हमने वाई टी कहा सबसे पहले हम सॉल्यूशन निकालते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई डबल प्राइम प्लस फोर इक्वल्स टू टू ई रेस्ट टू दावर टी है इस इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एम तो ये हो जाएगी एम स्क्वेयर प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो यहां से m की जो वैल्यू आएगी वो प्योरली इमेजिनरी आएगी प्लस माइनस टू आयोटा और इसके लिए अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं तो हमारा सी एफ यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा वो होगा सी वन कोस टू टी प्लस सी टू साइन टू टी ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया है अब हमें राइट हैंड साइड जीरो नहीं है तो उसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में जो दे रख है ए रेस्ट टू दावर ए एक्स इस टाइप का है इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखते हैं दिस अपॉन एफ टी एफ डी और डी को आप रिप्लेस कर देते हैं ए से अगर एफ ए जीरो नहीं है तो तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एफ डी जो हमारे पास है वो क्या है डी प्लस फोर अगर यहाँ पर ए का वैल्यू मैं वन पुट करू तो ये क्या मिलेगा मुझे वन प्लस फोर यानी कि फाइव वैल्यू मिलेगा तो पी आई हमारा यहाँ से क्या मिलेगा टू टाइम्स ई रेस्ट टू दावर टू टी अपन फाइव यानी कि टू अपॉन फाइव ई रेस्ट टू दावर टी तो जनरल सोल्यूशन वाई टी हमारे पास अब क्या हो जाएगा यह होगा c1 सी वन कोल पर्टिकुलर कि टू अपॉन फाइव ई रेस्ट टू दावर टी अब हमें लिमिट निकालनी थी एक्सप्रेशन लिमिट ई रेस्ट टू दावर माइनस टी वाई टी तो जब हम इसमें ई टू पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या एक्सप्रेशन मिलेगा हमें लिमिट सी वन लिमिट सी वन ई रेस्ट टू दावर माइनस टी कोस टू 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 टी प्लस सी ई को माइनस टी साइन टू टी प्लस टू अपॉन फाइव क्योंकि जैसे ई रेस्ट टू दावर एक्स का जो ग्राफ होता है ये ई रेस्ट टू दावर माइनस एक्स का ग्राफ होता है और टी इन्फिनेटी अगर x इनफिनिटी को टेंड्स करेगा तो ये जीरो को टेंड्स करेगा क्योंकि ये एक फंक्शन है ऑसिलेटरी वैल्यू होती है यानी कि तो जीरो प्लस जीरो प्लस टू अपॉन फाइव तो यहां से इसकी जो लिमिट है टू अपॉन फाइव होगा यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा